नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। मैनपुरी में बीजेपी और सपा दोनों ही तरफ से धुआंधार प्रचार हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही मैदान में इस वक्त पूरी तैनाती के साथ लगे हुए हैं। जनता 19 तारीख से ही तय करने में जुट जाएगी कि जनता किस पर भरोसा करेगी, क्योंकि इस बार का चुनाव 7 चरण में और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान है। ऐसे में कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता भी होके जाता है, ये हर किसी को पता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और बीजेपी के नेता उन सभी सीटों पर नजर बना रहे हैं जो वो हारे थे, जिसमें से एक चर्चित सीट है मैनपुरी, जिसे सपा का गढ़ माना जाता है। जिसे सपा का गढ़ मानने के साथ ही साथ ये कहा जाता है कि सपा के पाले से उसे किसी और पाले में सरकाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मैनपुरी सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होगा, जिसके लिए 7 मई को मतदान होगा, लेकिन बीजेपी सपा की सीट में सेंधमारी करने में बहुत मजबूती से जुटी है और इसी कड़ी में बीजेपी अपना मजबूत दांव चलते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को प्रचार के लिए मैनपुरी में लगा दी। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के प्रचार के लिए मैनपुरी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूरे देश को मोदी मैं बता दिया और कहा कि जो भी किसी का गढ़ था वो पुरानी बात हो गई, अब सब मोदी में हो गया। यादव बहुल लोकसभा सीट होने की बात पर मोहन यादव ने कहा कि जहां से मैं आता हूं, मेरी जात के 500 वोट भी नहीं है, लेकिन पार्टी मुझे लगातार 3 बार से टिकट दे रही है। हमें जात की जगह योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मोहन यादव का ये बयान और उनके सामने खड़े विपक्ष यानी कि डिंपल यादव पर किस तरीके का असर पड़ेगा, फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं मोहन यादव ने इस दौरान क्या कुछ और कहा। मैनपुरी में हमारे भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह जी के कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आया था। मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्साह उमंग के साथ सभी वर्ग, क्या यादव समाज या बाकी समाज, सब मिलकर के भाजपा के पक्ष में एक हवा चल रही माननीय मोदी जी को लेकर के। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ यूपी मैनपुरी सहित सभी सीट जीतेगी। पूरे देश में 400 पार, हमारे अपने प्रदेश में 29 की 29 पार, आपके उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पार, ये सारी की सारी सीटें जीतेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि दो चुनाव देख लिए, जनता अब इन पर विश्वास नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में डिंपल यादव के नामांकन के दौरान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। मोहन यादव को लेकर उन्होंने कहा कि वे तो मैनपुरी का विकास देखने के लिए आए थे। वहीं पीएम मोदी को लेकर कहा कि वे जब मैनपुरी आएंगे तो बताएंगे मैनपुरी में क्या विकास किया। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में भाजपा का सफाया होने जा रहा। उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भी भाजपा को जमकर घेरा। वैक्सीन कंपनी से भी चंदा वसूलने का आरोप लगाया। कन्नौज में युवक ने बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, ये आरोप भी अखिलेश यादव लगाया। अखिलेश यादव जमकर बीजेपी पर आरोप लगाते रहे और उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्थिति वही रहेगी जो हमेशा से रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी को ही जनता प्यार करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी वो क्षेत्र है जहां पर जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, लोगों ने ना नेताजी का साथ छोड़ा ना समाजवादी पार्टी का। जो यहां से प्रत्याशी है उन्होंने तो प्रत्याशी बनने के पहले ही कह दिया था कि यहां जीतने का क्या है, ये तो पूरी तरीके से समाजवादी के लिए फायदेमंद ही हो गया। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक मोहन यादव के नेतृत्व का सवाल है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस जाति से आते हैं। बीजेपी जात की गिनती तो करती है लेकिन जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहती। बीजेपी ये बताया कि वो अपने प्रत्याशियों का चेहरा क्यों नहीं सामने लगाती है होर्डिंग पर, सिर्फ एक नेता का क्यों लगा रही है। जब लोगों को समस्या होगी तो क्या लोग दिल्ली जाकर समस्या सुनाएंगे। ऐसे ही लगातार अखिलेश यादव जमकर बीजेपी पर हमला बोलते रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अरे खुशी की बात है, प्रधानमंत्री ये भी बताने आएंगे कि क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है, उन्होंने क्या क्या काम किया है। और सोचिए आप, जब होर्डिंग से उन्होंने अपने सभी प्रत्याशियों का और जो चेहरा गायब कर दिया, तस्वीर गायब कर दी, वोट पड़ेगा तो एक तस्वीर है वो भी गायब हो जाएगी। मैं एक बार फिर प्रेस का धन्यवाद देता हूं और मैं मैनपुरी की जनता से का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, हमारे मैनपुरी के पत्रकार जानते होंगे, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, जब उनसे पूछा कि कौन जीतने जा रहा है तो वो कह रहे हैं इसमें यहाँ क्या बताना, यहाँ तो सपा जीतने जा रही है। सोचो
उसे प्रत्याशी बनाया जो पहले से ही सपा का समर्थक रहा है और सपा को जिताना चाहता है, तो ये बीजेपी वाले सपा को ही लगता है जिताना चाहते हैं। नारा टोल हो रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक मेरा सवाल है, आपके इंडिया अलायंस में एक पार्टी है, एक दल है जिसने कि ये कहा है अगर हम पावर में आते अगर तो जो इंडिया के जितने भी ऑटोमिक हथियार हैं उनको आप सब नष्ट कर देंगे। मुझे नहीं पता है? अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या चीज? मुझे जानकारी नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है इस सवाल के बारे में। बेरोजगार लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। कौन सा मैनिफेस्टो? मोदी जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उनका जो है घोषणा पत्र, 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए, 15 लाख रुपए किसान की आय दोगुनी हो गई, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, स्मार्ट सिटी बन गए और किसानों को सुविधा देने की बात कही थी लोन माफ करने का, कि लोन माफ हो गया, उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ कर दिया और हमारे किसानों का लाखों रुपया जो बैंक पर है वो माफ नहीं किया उन्होंने। समाजवादी पार्टी ने इस बात को अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जहां ओल्ड पेंशन बहाल होगी, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, वहीं हमारे किसानों का भी कर्जा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का भी कर्जा माफ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विपक्ष की ताकतवर आपको है, पार्टी है, और तमाम अभी जो घोषणा पत्र मोदी ने 10 गारंटी की बात की, नौकरी की बात नहीं की है। अगर हम उम्र का हिसाब किताब लगाए, तो उम्र का हिसाब किताब लगाएं तो 2014 में जुमला आया था, तो 2014 में जुमला आया और 2024 में घंटी आई आपकी गारंटी और घंटी, तो जुमले से बड़ा कोई मामला है ये? जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की थी, गारंटी किसानों की आय की थी, गारंटी MSP की थी, गारंटी सस्ती बिजली की थी, गारंटी हमारे खाने पीने के सामान की थी। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2014 में बताइए सबसे सस्ती चीज नमक थी और नमक की आज कीमत क्या है? तो जो 14 में नमक सस्ता था आज बताओ कितना हो गया महंगा? सरसों की क्या कीमत थी बाजार में क्या है और क्या सरकार दे पा रही है? आलू का किसान बर्बाद हो गया, गेहूं का बर्बाद हो रहा है जबकि रेट दे सकते हैं, धान बर्बाद हो गया, कोई सुविधा नहीं किसानों को दी। मैं इन्होंने कोई दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बनाया जहां पर कहीं हवाई जहाज उतर सके। कम से कम समाजवादियों ने ऐसा तो कुछ काम किया है, और जिन सड़कों पे आप यहां चलते हो 4 लेन की, ये भी सब समाजवादियों की देन है। आप लड़ सकते हैं क्या? आपकी इच्छा है। देखिए, मेरे साथी ने ठीक पूछा, क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि नोटबंदी हो आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले बीजेपी ने लिए हैं और हमारा साथी ठीक कह रहा है FCI को लेकर के, ये ठीक कह रहा है। इसी तरह भंडारण के लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भंडारण की हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भंडारण नहीं करेंगे, ये प्राइवेट भंडारण करेंगे, और जब प्राइवेट भंडारण होगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। ये देश जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हो, वो क्या विश्वगुरुगण में गया? उनसे कहिए, नेशन फर्स्ट वालों से, कि तुम्हें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, ये नेशन फर्स्ट है क्या? अमेरिका का कॉपी कर लिया नारा, एक बार अमेरिका की वो भी नकल करके लाए थे भाषण, UK के एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उसकी भी नकल करके लाए थे मुख्यमंत्री जी। तो ये नकल करने वाले, इनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। राशन सर गरीबों को बांट रहे हैं, तो क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या? समाजवादियों ने कहा है कि पौष्टिक खाना मिले गरीबों को, पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वाद बेहतर होगा, और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है, और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी
इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा। बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैनपुरी में जब डिंपल यादव नामांकन करने गईं तो इस दौरान अखिलेश यादव उनके साथ पहुंचे और अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए ये कह दिया कि बीजेपी के लोग आए थे देखने कि मैनपुरी का विकास कैसे। हालांकि मैनपुरी में सब लोग बहुत खुश हैं, ये भी दावा अखिलेश यादव करते नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ती। हालांकि 2019 के चुनाव की बात करें तब भी बीजेपी के नेता हमेशा ये कहते थे कि सब कुछ मोदी में है, ऐसे में विकास की बात कहां गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है तो विकास की और अपने कार्यों की दावे क्यों बीजेपी करती है। आखिरकार जिस तरीके से मैनपुरी में 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, तो क्या ऐसा ही कुछ इस बार के भी चुनाव में होगा, ये तो एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।